So hello students, welcome to all of you. I am Adit Singh, PhD scholar, IIT Kanpur. So hope you are good and enjoying the lecture. So today we will discuss kinematics chapter, motion along a straight line. तो अब आप पूछोगे कि सर kinematics क्या है? Okay? तो अब ये chapter शुरू करने से पहले ये physics का सबसे पहला chapter है और core mechanics का chapter है, right? तो इससे पहले आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल पढ़ा, यूनिट डायमेंशन पढ़ी और ओरिएंटेशन पढ़ा, राइट? तो ओरिएंटेशन बस ये था कि आपको फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और इसमें आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंस है यूनिट डायमेंशन के फिजिक्स में, ओके? और इसके अलावा आपने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा कि फिजिक्स में मैथ क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, उसका यूज कैसे करेंगे, ओके? सो अब बात करते हैं हम काइनेमेटिक्स क्या है. सो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच ऑब्जेक्ट विद मोशन बट नॉट इन्वॉल्व फोर्स. मतलब कि मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है काइनेमेटिक्स जिसमें मोशन तो हो रही है बट उसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं है. प्लीज आप लोग इसको जैसे लिख पाओ आप लिख लो, क्योंकि नोट्स आपको बनानी है, एंड प्लीज प्रिपेयर योर नोट्स बाय योरसेल्फ, ओके? सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये काइनेमेटिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है. तो अगर आप लोगों ने शायद ओरिएंटेशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसको देखना, वो सबसे पहला लेक्चर है अपना, ओके? तो मैं बताता हूं कि मैकेनिक्स क्या है. सो अपन लोगों ने पढ़ा था ओरिएंटेशन वाले चैप्टर में कि सबसे पहली चीज थी फिजिक्स की जो मैकेनिक्स से शुरू हुई थी, राइट? तो मैकेनिक्स है ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कंसर्न्ड विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ओके? ठीक है. तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से कंसर्न्ड है, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है? आप मोटरसाइकिल देखते हो, आप ऑटोमोबाइल देखते हो, आप मून देखते हो, सन देखते हो, आप बाइक देखते हो. सो दीज आर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, माइक्रो, ओके? और एक था माइक्रो, ओके? इसको आप देख नहीं सकते हो, तो इसकी बात मैकेनिक्स में नहीं होती, ओके? सो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक थिंग्स, ओके? तो इनकी मोशन आप मैकेनिक्स में देख रहे हो. अब मैकेनिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं. मैकेनिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस में सबसे पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फिर आपकी फ्लूड मैकेनिक्स, फिर आपकी एस्ट्रो मैकेनिक्स, ओके? जो फिर सेलेस्टियल मैकेनिक्स, बहुत सारी, मतलब मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ठीक है? तो हम इसमें बात करेंगे मैकेनिक्स में सिर्फ आपके बहुत सारी ब्रांचेस है, एन नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं आपकी, स्टैटिकल मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, बहुत सारी. तो हम बात करेंगे सिर्फ अभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ओके? अब ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है? देखो, मैकेनिक्स की खोज न्यूटन बाबा ने की थी, आपको पता है, मैंने बताया था, ठीक? तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो इसके न्यूटन के नाम की वजह से पड़ी, ठीक है? यानी हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं, हमारा सन कैसे मूव करता है, हमारी बॉडी कैसे मूव करती है, हमारी ऑटोमोबाइल कैसे मूव करती है. सो दिस इज क्लासिफाइड इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है? सो अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के दो सब ब्रांचे हैं. सबसे पहले हुई काइनेमेटिक्स, ठीक है? अब एक क्लासिफिकेशन बताता हूं इसका, डायनामिक्स, ओके? सो देखो, काइनेमेटिक्स क्या है, मैंने क्या बताया, मोशन विच डज नॉट इन्वॉल्व फोर्सेस, ठीक है? तो ये आपकी काइनेमेटिक्स हो गई, राइट? डायनामिक्स क्या है, मोशन इन्वॉल्व फोर्सेस, ओके? अब सपोज करो कि मैं चल रहा हूं या कोई भी बॉडी चल रही है, उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो वो क्लास
क्लासिफाई होगा आपका काइनेमेटिक्स के अंदर। दूसरा, आप सपोज करो कोई ब्लॉक को, कोई ब्लॉक रखा है, आपने उस पर फोर्स लगाया, उसको आपने कुछ किया, सपोज करो ये रखा है, इसको मैंने देखो इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मोशन कर रहा है, देखो ये मैं फोर्स लगा रहा हूं तब ये मोशन कर रहा है, सो दिस इज डायनामिक्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे अपने लेक्चर में सिर्फ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन की। ओके, तो अब ये क्या चीज है, हमें मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पढ़नी है, राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग और व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, तो आप में से बहुत सारे एकदम टैलेंटेड स्टूडेंट होंगे, सो दे विल टेल कि सर इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस, ओके, देन बॉडी इज मूविंग। अगर बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब बॉडी टाइम पास हो रहा है बट बॉडी वहीं है, सो इट इज एट रेस्ट। ओके, सो ये डेफिनेशन आपकी हाफ करेक्ट है, करेक्ट है, नो डाउट, बट हाफ करेक्ट है। इसमें आपने सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज जो मिस की वो क्या है, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो। ओके, सपोज लेट टेक एन एग्जांपल, सपोज दिस इज अ बुक, राइट, एंड दिस इज अ ब्लॉक। ओके, अब मैं बोलूं, आपको दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ओके, सो अगर मैं बोलूं कि दिस, सो दिस, राइट, और दिस, और दिस, सो यू विल टेल कि सर बॉडी में जो ये बुक है, बुक इज मूविंग बट ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, सो दिस इज करेक्ट, क्यों, आपका रेफरेंस यहां पे क्या है, आपका रेफरेंस है यहां पे ये रूम। ओके, आपकी रेफरेंस है ये रूम, ये आपका हाउस जिससे आप खड़े होके देख रहे हो, बट अगर सपोज करो आप मून पे चले गए, ओके, यू हैव सम स्पेस क्राफ्ट और आपके पास आई साइट इनफाइनाइट है, राइट, कि आपको बहुत ज्यादा सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में दिखता है, यानी आप मून से देखते हो आपको अर्थ को, अर्थ दिख रही है, ठीक है, अर्थ में क्या हो रहा है। तो अगर मैं ये सेम काम, आप देखो मून पे हो, और अगर मैं ये सेम काम करूं, दिस और दिस, ये बुक अगर मूव हो रही है तब क्या होगा, तो मून से आपको ये ब्लॉक भी मूविंग होगा, ये बुक भी मूविंग होगी, मैं भी मूविंग होगा, ये रूम भी मूविंग होएगा, ये घर भी मूविंग होएगा, हर चीज, ईच एंड एवरी थिंग इज मूविंग, क्यों, क्योंकि अर्थ इटसेल्फ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। सो जो चीज यहां पे रेस्ट में थी आपके रूम के रेफरेंस में, वो चीज मून से मूविंग है, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो चेंज हो गया। सो आप क्या बोल सकते हो, मोशन हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, ओके, हम लोग कंक्लूड करेंगे, सो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी, ओके, एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो मोशन जो ऑब्जेक्ट है जिस पे हम आप अपना काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एंड ऑब्जर्वर, दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी, एक ही कंबाइंड प्रॉपर्टी नहीं, राइट, मतलब कि जो हम लोग ये स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन बात कर रहे हैं ना, दिस इज मीनिंगलेस विदाउट द व्यूअर, आप कहां से देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ओके, क्योंकि हम चांद पे थे तब तो हमारी दोनों चीज मूविंग कर रही थी, जब हम अपने रूम पे थे तो हमारा बुक मूव कर रही थी बट ब्लॉक हमारा रेस्ट पे था। ओके, सो यू कैन से एकदम बिल्कुल उसको एसेंस बोल सकते हो, दैट नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट, ओके, और नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन, मतलब इस यूनिवर्स में हर चीज ना तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई नहीं है, ना ही कोई एब्सोल्यूट मोशन में, ये सब प्रभु की माया है, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये घूम रहा है ये रुका है, नहीं, आप अगर किसी को बोल रहे हो कि दिस इज मूविंग, वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मूविंग है। ओके स्टूडेंट, सो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा, सो प्लीज आप लोग ये पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके,
और एग्जांपल लेते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन के ऊपर, सो दैट कि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। और ये एक बार आप खुद से करके देखना तो आपको आएगा ये, ठीक है। तो आप में से सब लोगों ने ट्रेन में तो जर्नी की है ना, सबने की होगी, ठीक है। तो सपोज करो कि ये हमारी ट्रेन का वो कंपार्टमेंट है जिसपे अपन लोग बैठे हैं। मान लो कि ये S1 है, ये इधर भी बहुत बड़ी सी ट्रेन है, इधर भी बड़ी सी ट्रेन है, ओके। यहाँ पे ये आप हो, ये आपकी को पैसेंजर है, ये आपका एक और पैसेंजर है, तीन लोग बैठे हो, राइट, ठीक है। तीन दोस्त जा रहे हो घूमने इस कंपार्टमेंट में बैठे हुए। तो दिल्ली टू मुंबई हमारी यात्रा हो रही है, हो रही है भाई। बीच में क्या हुआ, बीच में एक कहीं से उस ये ग्राउंड के ग्राउंड में चल रही है ना ये ट्रेन, ऐसे ऐसे पहिए लगे होंगे इस पे, सो ये ग्राउंड पे चल रही है। सो सपोज कहीं से बीच में एक चोर चढ़ गया, ठीक है, उसके पास गन है, राइट। वो चोर मान लो चढ़ा ऐसे, ये चढ़ा, जैसे चढ़ा उसने बोला सब लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह पे हो जहां, और अपने अपने हाथ ऊपर करके सब खड़े हो जाओ। उसने गन निकाली अपनी, ओके दिस इज गन, उसने ये अपनी गन निकाली और सब लोग ये खड़े हो गए एकदम एकदम ऐसे स्टैंड स्टिल, राइट। सो इस चोर को क्या लगा कि ये जो तीन लोग हैं ये तो स्टिल है, यानी ये रेस्ट पे हैं, बट गलत, ये किसके रिस्पेक्ट में स्टिल हैं, ये इस कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं, बट ये लोग ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या रेल ट्रैक के रिस्पेक्ट में मूविंग है, राइट। सो ये जो चोर है इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं पता, और उसने सपोज करो कि यही उसको लगा कि हाँ अब ये सब लोग रुक गए और मैं चोरी कर सकता हूं, और बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, आगे चल के ट्रेन ने ब्रेक मार दिया, ओके। सो ब्रेक से क्या होगा, जर्क आएगा और ये सब लोग गिर गए, ओके। सो दिस इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। सो यहां पे इंपॉर्टेंट ये था, चोर को पता ही नहीं क्योंकि उसने तो फिजिक्स पढ़ी ही नहीं थी, तो वो यहां पे मार खा गया। सो ये जो लोग थे ये कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में थे, लेकिन रेलवे ट्रैक के रिस्पेक्ट में ये मोशन में थे, ओके स्टूडेंट। सो स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ ये एब्सोल्यूट चीज नहीं है, राइट, ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही मैटर करता है, ओके स्टूडेंट। सो अब बात करते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, ओके। सो हम लोग ये सब समझ गए ना आप लोग क्या है, तो व्हाट वी कैन समराइज दैट इन ऑर्डर टू लोकेट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आपको स्पेलिंग पता है, सो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ही आपने चूज कर लिया, उसके बाद हम तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस लेते हैं, जो मैंने आपको वेक्टर वाले चैप्टर में बता दिया है, ये तीन परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सो एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तो x परपेंडिकुलर टू y, y परपेंडिकुलर टू z, सो z आपकी ये वाली है डायरेक्शन, ओके, सो दिस इज z अपवर्ड, ओके, सो दिस इज ओरिजिन, ओके स्टूडेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन मैकेनिक्स, ओके। जैसे हम लोगों ने जो अभी तक बात की ट्रेन की जर्नी वाली, चोर वाली, तो आप सब लोग ट्रेन में जर्नी करते हो, राइट। तो जब आप ट्रेन के जर्नी करते हो तो उस ट्रेन की जर्नी में, उस पूरी ट्रेन में जो आपका कंपार्टमेंट होता है ना, राइट, सपोज करो ये आपका दिस इज योर कंपार्टमेंट, दिस इज S1, ओके, यहां पे आपका ये इंजन लगा होता है, इंजन यहां पे आपका पीछे, सो दिस इज योर
ट्रेन, ओके ये पूरी ट्रेन है और ये नीचे एक रेलवे ट्रैक बिछा होता है, राइट, ट्रेन के चलो पहिए लगा देते हैं। तो जब आप इसकी बात करते हो ना, तो इस वाले सिस्टम में आपका ये जो आपका कंपार्टमेंट होता है, दिस इज योर मेन थिंग, राइट। तो आपका रेफरेंस होगा, आप इसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें देखते हो, ठीक है। तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं ट्रेन ट्रैक सिस्टम, ओके। इसमें आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है, ओके। सो आप एक चीज देखिए, आपने खूब देखा होगा कि जो चीज इस कंपार्टमेंट के अंदर होगी, सपोज करो कि ये अपर बर्थ है, यहां पे आपने अपना सूटकेस रख दिया होगा या अपना बैग रख दिया होगा, यहां पे आप अपना मोबाइल लगा देते हो, सो ये सब चीजें आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उस कंपार्टमेंट के अंदर हो। बट सपोज करो कि जो बाहर से देख रहा होगा उसको क्या है, सपोज करो कोई प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म पे तो देख रहा होगा, तो उसे आप भी मूविंग दिखाई देते हो, मोबाइल भी, सूटकेस भी, अपर बर्थ ही, एवरीथिंग इज मूविंग, ओके। आपको क्या है, आपको जितने भी बाहर आपके ट्रेन के बाहर देखते हो, पेड़ पौधे, फिर इसके बाद आपके जितने भी पोल्स होते हैं, सिग्नल, प्लेटफॉर्म, स्टेशन, सब आपको क्या दिखाई देते हैं, मूविंग। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो रेस्ट पे है। आप बोलते होगे ना, दिल्ली आ गया, कानपुर आ गया, मुंबई आ गया, मुंबई निकल गया, कानपुर पास हो चुका है। सो दिस इज रेफरेंस, इसमें आपका रेफरेंस होगा ये ट्रेन ट्रैक्स, ओके, दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। क्योंकि कानपुर और दिल्ली तो प्लेसेस हैं, ये फिक्स हैं अपनी जगह पे, पोल अपनी जगह पे फिक्स है, यू आर मूविंग, बाहर वाले को लग रहा है आप मूविंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बाहर वाला मूव कर रहा है। सो मैंने क्या बोला था कि एवरीथिंग इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन। सो अब हम जो बात करेंगे, आपको पता चल गया होगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करेंगे सिर्फ, अभी हमें बात करना है स्ट्रेट लाइन की, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइडेड है, यूजुअली ग्राउंड होता है, राइट। अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज करो कुछ चेंज हुआ होगा, तो आपके क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई होगा कि दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब आप ये कैलकुलेट करो, ओके। और हमारा हम पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो जो हमने ये तीन एक्सिस पढ़े ना, एक्स वाई जेड, तो हम सिर्फ बात करेंगे किसी एक एक्सिस की, ओके। इधर एक्स की बात करेंगे और वाई की बात करेंगे और जेड की बात करेंगे। तो अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में, ओके। तो अब बात करते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, वो यहां से यहां गया, यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, सो दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस क्या है, इट इज लेंथ फॉलोड बाय दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट, लेंथ फॉलोड, भले ही वो उसको यहां से यहां जाना है, वो ऐसे घूम के जाए तो डिस्टेंस अलग आएगी, ऐसे आ जाए तो डिस्टेंस अलग आएगी, ऐसे आ जाए तो डिस्टेंस अलग आएगी, राइट। सपोज करो कि ये और ये उसके पॉइंट थे, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका सिर्फ इतना ही हुआ ए और बी के बीच का, लेकिन डिस्टेंस वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ओके। यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने ये क्लियर किया था, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। आप लोग प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा, यहां पे थोड़ा थोड़ा केओस हो सकता है। इसको एस से, ऐसे वेक्टर एस से डिनोट करते हैं, ओके। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल टू फाइनल, ओके। इनिशियल से फाइनल की ओर इसकी पोजीशन डायरेक्शन होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको आप स्मॉल एस से प्रेजेंट करोगे, ओके। इसकी ये यूनिट है, ये कौन सी यूनिट है, एस आई यूनिट, ओके। तो इसकी भी मीटर होती है, इसकी भी मीटर होती है। तो जो मैंने यहां आपको बताया था ना कि डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड,
ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस जो भी होगी ना इनिशियल और फाइनल के बीच की, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो ये पाथ पे फॉलो नहीं करता, आप कहीं से भी जाओ ये आपका मन है, लेकिन हम तो भैया क्या, हमें डिस्प्लेसमेंट हम है, हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही मानेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस भाई साहब हमारे क्या बोलते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा अच्छे हैं, हम तो आप जिस पाथ से भी जाओगे हम मान लेंगे। ओके, सो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डेफिनेशन है, क्या उनके रिलेशन होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्लीज आप लोग पॉज करके, अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको पॉज करके प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, इससे पहले जो मैंने बताया कि काइनेमेटिक्स क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मैकेनिक्स क्या है, सो अगर आप उसको नहीं समझेंगे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, लेकिन आपको फिजिक्स की फीलिंग नहीं आएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चैप्टर टू अंडरस्टैंड इट्स बेसिक्स, ओके, टू फील द फिजिक्स, राइट। सो आप एक चीज ये देखो, दैट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मैथमेटिकली क्या रिलेशन है, राइट। सो यू विल से दैट डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर का जो मॉड है, ओके, ये डिस्प्लेसमेंट का मॉड है, सो ये एस वेक्टर हटा दो इसको अल्टीमेटली, सो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जो इसका मॉड आएगा मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि वेक्टोरियल क्वांटिटी थी उसका मैग्नीट्यूड ही आता है, सो इट इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा या बराबर ही होगी डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, ओके। अब देखो ये हमारा था, इसमें आप चलो टाइम से डिवाइड कर दो, डिवाइड टाइम बोथ साइड, सो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम ग्रेटर देन डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या हुआ, ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यहां से आपकी दो डेफिनेशन और आ जाएंगे, और ये होता है आपका एवरेज स्पीड, मैंने बोला था ना कि दो डेफिनेशन और आएगी, तो सिमिलरली जो आपने ये पहले पढ़ा ना, सो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी आपकी वेक्टोरियल, और ये स्पीड आपकी स्केलर, ओके स्टूडेंट्स। सो तो आइए हम देखते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी थी और ये स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अल्टीमेटली एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या हुई, इधर लिखता हूं, ठीक है, दिख रहा है ना, सो एवरेज वेलोसिटी विल योर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टाइम में कितना चेंज हुआ। एवरेज स्पीड आपकी क्या हुई थी, एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, यानी आपकी जो भी टोटल डिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ओके स्टूडेंट। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो अब एक सवाल लेते हैं, फिर आपको और क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये चार आदमी हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, चार आदमी हैं, फोर मैन, दे आर ट्रेवलिंग टू ए टू पॉइंट बी बाय डिफरेंट रूट्स, ओके। ए से पॉइंट बी तक जाना है डिफरेंट रूट से, तो फर्स्ट पर्सन गया, ये देखो ये एक मीटर रेडियस का एक सपोज करो एक सर्कल है, हा? तो ये जो सेमी सर्कल बना है ये एक मीटर रेडियस है इसकी, ओके, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। तो ए से बी पे जाना है, तो फर्स्ट पर्सन ये गया डायरेक्ट, सेकंड पर्सन गया ऐसे, ये डिस्टेंस है आपकी हाफ मीटर, ओके, ये जो इतनी डिस्टेंस है, तो सेकंड पर्सन गया ऐसे, ये थर्ड पर्सन गया ये, ओके, सर्कमफेरेंशियल, फोर्थ पर्सन गया ऐसे 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 घूमते घूमते, और उसने जो ये पूरा इसने कवर किया लेंथ
वो 2.5 मीटर थे। ओके सो हम यहां पे क्या क्या हमें फाइंड का आउट करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन। तो देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें, एवरेज वेलोसिटी, कुछ चीजें हमें दी गई हैं, कुछ चीजें हमें फाइंड आउट करना है। सो मैन वन और मैन टू की क्या है, एवरेज वेलोसिटी हमें दी गई है 1 मीटर पर सेकंड। और देखो सबकी वेलोसिटी, ये क्वांटिटी है ना, वेक्टोरियल क्वांटिटी, सबकी डायरेक्शन ऐसे है ए टू बी। ओके इसकी भी 1 मीटर पर सेकंड है, ये भी 1 मीटर पर सेकंड है, और ये भी 1 मीटर पर सेकंड है। दिस क्वांटिटीज आर गिवन। ओके स्टूडेंट, सो अपने को ये सब बताना है कि ये सब क्या चीजें हैं, एवरेज स्पीड कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस की। ओके अभी डिस्प्लेसमेंट को रहने देते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे सिंपल। तो डिस्टेंस क्या था, आप अपने नोट्स पे नोट डाउन किया है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन देखो कि लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो या कोई भी बॉडी, तो पहला पर्सन कितनी डिस्टेंस उसने कवर अप किया, ये यहां से यहां तक 1 मीटर, यहां से यहां तक 1 मीटर। तो मैन वन 2 मीटर, सेकंड ने कितना किया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये भी आपका 2 मीटर का, ये गया हाफ 2 एंड दिस, तो ये गया आपका 3 मीटर। थर्ड पर्सन ये गया, सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो ये हाफ सर्कल है तो इसका सर्कमफेरेंस हाफ हो जाएगा, तो यानी पाई आर, रेडियस 1 है, तो थर्ड पर्सन कितना गया पाई मीटर, पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14, राइट, तो ये इतने मीटर गया। फोर्थ पर्सन इसने लेंथ कितनी कवर की 2.5 मीटर, सो ये हो गया 2.5 मीटर। ये सबकी तो देखो डिस्टेंस आ गए, अब मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। सो इनिशियल पॉइंट आपका ए था, फाइनल पॉइंट आपका बी था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच में कितनी है 2 मीटर, ठीक है भाई हमें पता है 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। मैंने बोला था ना कि डिस्टेंस वाला जो था ना, डिस्टेंस थोड़ा लिबरल है, वो बोलता है कि मैं जो पाथ फॉलो करूंगा वही मेरा आप कैलकुलेट करना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलता है नहीं आप इनिशियल से फाइनल पकड़ो, दैट्स इट, ठीक है। सो एवरेज स्पीड आपने नोट डाउन किया ही होगा अपनी नोट्स पे, सो अपनी एवरेज स्पीड क्या आई थी, एवरेज स्पीड आपकी थी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप लोग एक नोट डाउन कर लेना कि जब यूनिडायरेक्शनल मोशन होती है ना एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी का मॉडुलस होता है, प्लीज ये नोट है रेड पेन वाला, ठीक है ना, तो ये नोट हमेशा लिखना। सो ये मैंने उस पर क्या ऐसे था ना, ठीक है, तो इक्वल भी होगा कभी, तो ये इक्वल तभी होगा जब आपकी यूनिडायरेक्शनल मोशन होगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब हिंदी मीडियम के लिए जो एक ही दिशा में होती है, ठीक है, इधर एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन। ओके सो यूनिडायरेक्शनल में जो एवरेज वेलोसिटी होती है वही होती है आपकी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाती है। तो ये वाला जो पहला आदमी है वो यूनिडायरेक्शनल में मूव कर रहा है सिर्फ एक ही में, अगर मैं एक्स वाई प्लेन बनाऊं तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो देखो ये सिर्फ एक्स में जा रहा है ना, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, तो इसकी भी एवरेज स्पीड हुई 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पे टाइम कितना निकल के आया, टोटल डिस्टेंस इतने 2 मीटर कवर करी, एवरेज स्पीड है इसकी 1, सो टाइम कितना निकल के आया ये 2 आया, 2 सेकंड। ओके सो सिमिलरली
इसने तीन कवर किया और आदमी सब टाइम सबका सेम है ओके सब इसकी हो जाएगी थ्री देखो डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टाइम तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम मीटर पर सेकेंड टोटल डिस्टेंस बाय टाइम मीटर पर सेकेंड टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टाइम सबका सेम है मैंने बोला है सो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम सो ये 2.5 बाय 2 मीटर पर सेकेंड सो आप लोग प्लीज ये टेबल बना लीजिए और क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझिएगा कि चार आदमी हैं चार को ए से बी पे जाना है सबने टाइम लिया 2 सेकेंड ओके 2 सेकेंड टाइम लिया और ये इनके पाथ हैं ए बिल्कुल सीधे गया बी ये पाथ फॉलो करके गया सी ये पाथ थर्ड पर्सन ये पाथ फॉलो करके गया फोर्थ पर्सन ये पाथ फॉलो करके गया सो ओके सो अब हम अगले लेक्चर में वीटी एसटी ये ग्राफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है सो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स